पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी कभी दूसरी पार्टी के नेता उनके एक धर्म के प्रति विशेष प्रेम को लेकर टिप्पणी करता है, लेकिन उनकी अपने धार्मिक के प्रति निष्ठा भी खूब देखने को मिलती है, जिससे लगता है कि वो सनातन धर्म को सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि उसे जीते भी हैं। दिग्विजय सिंह की ऐसी धार्मिक निष्ठा अभी हाल ही में तब देखने को मिली जब वे 18 किलोमीटर की देव बरखेड़ी तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा पर पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चलते नजर आए। दिग्विजय सिंह ने भगवान देव नारायण और बाबा रामदेव जी की तीर्थ क्षेत्र में 18 किलोमीटर लंबी नंगे पैर पैदल यात्रा की। पथरीले रास्ते पर नंगे पैर 76 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चलता देख मौजूद स्थानीय कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। 6 घंटे में 18 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिंह कांग्रेसियों से चलते चलते क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर चर्चा करते रहे। कुछ कांग्रेसी नंगे पैर तो कोई मोजे पहनकर सिंह के साथ चले। परिक्रमा के रास्ते में आलोकनाथ जी की गुफा, जो ऊंची पहाड़ी पर है, जिसमें करीब 400 से 500 खड़ी सीढ़ियां थी जहां आम परिक्रमा वासी भी नहीं जाते, उन्होंने जिद करके वो सारी सीढ़ियां चढ़ी। उसके बाद गुफा के पास करीब 20 फीट खड़ी चढ़ाई, जहां सीढ़ियां नहीं थी वहां रस्सी का सहारा लेकर उतनी दूरी भी तय की और आलोकनाथ जी की गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।